और सिस्टर पुष्पा मैसी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। क्वेश्चन बेटा देखो, आप ऋषि पापा से रटने वाला चाहते हो ना, रट जाए करके है? चाहते हो कि नहीं? पढ़ के भूल जाते हो तो खराब लगता है कि नहीं? तो ऋषि पापा से क्या चाहते हो? क्या चाहते हो ऋषि पापा से? क्या चाहते हो तुम लोग? पहला नंबर आने के लिए कि आखिरी नंबर आने के लिए? पहला नंबर आने के लिए बहुत ढेर सारा काम करना पड़ता है, मौज मस्ती को छोड़ना पड़ता है, समझ गए? और जब पढ़ लिख जाओगे तो जितना जो करना है वो करो, नौकरी करो, सब कुछ करो, पर उसके आपको मेरा मेरे को लेकर गुस्सा आता है। अगर गुस्सा करोगे तो इशू जो है वो ये चाहता है तो आप उसका पालन करें। इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा है, जो उसका पालन नहीं करता उसको आप कितना भी तो दुआ करते जाओ, मैं माताओं को हमेशा बोलती हूँ। प्रिंसिपल रही हूँ, पच्चीस साल को भी तेज तलाक टाइप की रही हूँ मैं, तो मैं हर माँ को बोलती हूँ कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो, अच्छी तरह मारपीट नहीं करने का, आप खाना बंद कर दो, खाना बनाना बंद कर दो जब आपका कहे बच्चा कहना नहीं मानता, तो क्यों नहीं करते आप लोग? इतना लाड़ प्यार में बिगाड़ दो अपने बच्चे को। मैं तो होती थी जब वहाँ प्रिंसिपल थी, मेरे स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक भी ईसाई बच्चा नहीं पढ़ता था, बारहवीं तक सब फेल होकर भाग जाते हैं। क्या इसी का आया हूँ क्या? मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाता है नागपुर में, तो वहाँ पर वो प्रचार करता था, तो एक आया ईसाई लड़का और बोलते हमारी बदनामी होगी तो प्रचार करता है, कहीं नहीं बताता इसी के बारे में, मत बता। और वो एक भी ईसाई लड़का इंजीनियर नहीं बन सका, आपको दुख नहीं लगता क्या? किसी को दुख नहीं लगता, मेरे को लगता, मेरा दिल रोता है तुम लोगों के लिए। क्यों नहीं तुम्हारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते? क्यों नहीं टीचर बनते? ये सब 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 कुछ करते हो, उनकी इच्छा पूरी सब करते हो तुम लोग, पर क्यों नहीं उसे अपने कंट्रोल करते? मेरा दिल बहुत रोता है बच्चों, ये सब देख करके कि माँ बाप ने कभी भी कंट्रोल नहीं किया, ये बाहरी सब चीजों की तरफ ध्यान उन्होंने दिया। तो बेटा जब विष्णु को दिल से बोलोगे तब तो विष्णु सुनेगा अपना, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी दुआ से कुछ नहीं होगा, जब आप लोग चाहोगे तो विष्णु की चंगा की है इसको जो की चंगा होना चाहता था। ए विष्णु नासरी प्रभु की संतान मुझ पर दया था, ऐसे चिल्लाते थे। तो तुम लोग चिल्लाओगे विष्णु को प्रभु मेरे को बुद्धि दे, प्रभु मेरे को बुद्धि दो, तो फिर प्रभु क्या करेगा? क्या देगा बेटा? बुद्धि का मतलब रटना, बुद्धि का मतलब रटना, मतलब बोलो बुद्धि का मतलब रटना, बुद्धि का मतलब रटना, बुद्धि का मतलब रटना, बुद्धि का मतलब रटना, बुद्धि का मतलब रटना। अब मैं बुद्धि बुद्धि बोल रहे हैं, सारों भी बोल रहे हैं सब बुद्धि बुद्धि, वो समझ में नहीं आ रहा। अब एक तो और गाना है वो क्या क्या हाँ, तो ये है सब बच्चे लोग क्या करें, रूह का मजा जा, जहाज का जा नहीं है वो है सा सा सर सर क्या कहते हैं सरोदय का सा मसा मसा, रूह का मतलब पवित्र आत्मा का, मस्सा का मतलब आ जाए हमारे अंदर, आ जाए हमारे अंदर पूरी रीति से, मजा नहीं है वो। इसीलिए मैं शब्द का मैं हमेशा सिखाती हूँ बुद्धि बुद्धि बोल रहे, बुद्धि दे बुद्धि दे, यहोवा का भय मानना बुद्धि का, बुद्धि जानते हैं क्या किसको बोलते हैं? बुद्धि का मतलब क्या है? रटना। एक बार पढ़ लोगे पूरी किताब, मैं पूरी किताब याद कर लेती थी पूरा, कोई भी आएगा सबका जवाब दे सकते। तो बेटा ये सब बता रही हूँ आपको, आपकी भलाई के लिए, मेरा भलाई है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे फर्क पड़ेगा मेरे लड़के बच्चे को अगर इस प्रकार का विचार करेंगे तो बुद्धि क्या है आपका? रटना। जब आप पढ़ोगे कि सामने रटे आप खुशी होगी, प्रभु मेरा रटा नहीं रहा, मैं क्या करूं प्रभु मेरे को रट नहीं रहा, ऐसी रो ना। किससे किसके सामने रोना है? यीशु पापा। किसके सामने? यीशु पापा से, प्रभु मेरे को बुद्धि दे, मेरे को रट नहीं रहा, मेरे को डांट पड़े, मेरे को चीरो भी लाए तो दस में से दो मिला, दस में से एक मिला, कभी मेरे को बुद्धि देना, ऐसे करोगे तुम ना? हाँ जी, हाँ।
बड़े लोग को जीना बोलते हैं, ठीक है? तो यही मैं चाहती थी उन लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत बहुत भाग्य से ही प्रार्थना करने मिलता है कि हम किसी के लिए दिल से करें। गाना तो दिल दिल वाला खूब गा लेते हैं, पर दिल से आप दिल से दूसरा बच्चा ईसाई बच्चा हमारे क्यों नहीं आगे बढ़ता, क्यों नहीं आगे बढ़ते हमारे ईसाई बच्चे? मैं बहुत बोली थी, मैं आपको बताने के दिल की बात कर रहा हूँ। लड़कों को करता था, हम लोगों को गुस्सा होने का दिल करता मेरा। तो बेटा मेरा यही कहना है, बुद्धि का मतलब रटना। आप बार बार पढ़ सकते हैं, मैं चाहिए ऐसा नहीं कुछ लोग बोलते हैं मिलता है मानस को क्या बोलते हैं गाइड। तो गाइड करने फिर किताब पढ़ना है आपको, फिर भी प्रश्न आ जाए आकर ये होना चाहिए, ठीक है? तो सब कुछ समझ लेना बेटा, आपको बुद्धि चाहिए, मतलब रटने का मतलब बुद्धि है ना। तो आंखें बंद करेंगे, इसी पप्पा से हम लोग प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। आप कुछ बोलेंगे प्यारे यीशु पापा, हम कुछ पास आते हैं पापा, हम तो मूर्ख हैं प्यारे यीशु, हम तो जड़ता नहीं है प्रभु, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। हमारे मम्मी पापा जो बात करते रहते हैं ना, तो उसी तरफ मेरा ध्यान जाता है। प्रभु मेरे ध्यान को मेरी किताब की तरफ लगा, पढ़ने की तरफ लगा। प्रभु मेरे को रोटी चार है, मेरे को अच्छा नंबर मिले, दस में से आठ, दस में से सात, दस में से छह, मेरे को जीरो मिलता है, दो मिलता है, माइनस टू माइनस वन मिलता है। प्रभु तू दया करना प्रभु, मैं तो छोटी लड़की हूँ ना प्रभु, मैं तो छोटा लड़का हूँ ना, तेरा बेटा हूँ ना प्रभु, मेरे ऊपर दया कर प्रभु, मेरे को बुद्धि दे दे प्रभु, रखने की सामर्थ दे दे, रखने का बल दे दे, ताकि मैं पढ़ सकूं प्रभु। मैं अपने अपने माँ बाप से ऊंचा उठना चाहती हूँ प्रभु, मेरे माँ बाप तो पढ़े नहीं है, मेरी माँ तो पढ़ी ही नहीं है प्रभु, मैं पढ़ के टीचर बनना चाहती हूँ प्रभु, मैं पढ़ के नर्स बनना चाहती हूँ प्रभु, मैं पढ़ के ऑफिस में काम करना हूँ करना चाहती हूँ प्रभु, मैं अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहती हूँ प्रभु। हम लोग गरीब लोग खाने के लिए नहीं है प्यारे यीशु, हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम नौकरी करने पाएंगे प्रभु। बुद्धि दे बुद्धि दे बुद्धि दे, रखने की सामर्थ्य दे प्यारे यीशु। यही दुआ बच्चे लोग घर में करेंगे, मेरी यही आग्रह है कि जो मैंने अभी दुआ की सारे बच्चे ऐसे ही दुआ करेंगे। आइए हम सब माता पिता और सब भाई बहन लोग सब इन बच्चों के तरफ हाथ रखें और हम दुआ बुद्ध बुजुर्ग लोग और एल्डर्स लोग करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, हम विश्वास आते हैं प्यारे खुदावर, और आज का दिन है जबकि पादरी साहब ने ये दिन रखा कि परीक्षा के पहले वो ये प्रार्थना की जाए बच्चों के लिए, और क्योंकि यीशु प्यार करते थे प्यारे यीशु जब वो दुनिया में थे, और उन्होंने कहा कि हे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, ऐसा ही का है जो भोले भाले हैं। स्वर्ग का राज्य वो नाटककार लोग का नहीं है, स्वर्ग का राज्य बच्चे जैसा मन जिसका हो वो स्वर्ग के राज्य में। ये छोटे बच्चे सब स्वर्गदूत के समान खड़े हैं प्यारे यीशु, इनके दिल में कोई भी गंदगी नहीं है प्यारे यीशु। प्यारे यीशु को कोई प्यार करता है पिता, और तू चाहता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, हमेशा तू यही चाह कि वो आशीष दे। आशीष कैसे मिलेगी पिता, यदि हम पढ़ेंगे पास होते जाएंगे, अच्छे नंबरों से हम पास हो सकेंगे पिता। इन प्यारे बच्चों को तू आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान दे पिता। जब इनकी किताब खोलते हैं इनको रटता नहीं है, 20 पॉइंट है प्रभु इनको रटता नहीं है, 2 पॉइंट याद रहता, बाकी मां चाव चाव करती रहती है। प्यारे यीशु मेरी माँ को कंट्रोल कर प्यारे यीशु, मेरे पिता को कंट्रोल कर प्यारे यीशु, ऐसा वातावरण कर ताकि मैं पढ़ने पाऊँ, और पूरा ध्यान मेरा रहे, मैं मोबाइल बंद करके रखूँ परीक्षा तक, उसको हाथ ना लगाऊँ प्रभु, मैं टीवी ना देखूँ, मैं सीरियल ना देखूँ, नहीं तो मेरा ध्यान इधर उधर भटकेगा प्रभु। प्रभु
दया कर, उन गरीबन पर दया कर, हालेलुया। इस प्रकार हम दुआ करते हैं इन बच्चों के लिए पिता, क्योंकि ये सब हम इस्राएली लोग हैं पिता, ये तेरे बचाए हुए लोग हैं पिता। तू अपने इस्राएली लोगों को प्यार करता है, वो तो तेरी प्रजा है प्यारे यीशु, हालेलुया। और इस्राएली लोग पूरे विश्व में, पूरे संसार में बड़े बड़े साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक बने हैं पिता, हमारे नन्हे बच्चे जो गरीब है प्यारे यीशु, जो नहीं जानते कुछ, तू बुद्धिमान बना दे प्यारे यीशु। हमारा प्राइम मिनिस्टर चाय पीता था, आज वो इतना बड़ा प्रधानमंत्री बना पिता। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू तो हमारा राजा है, तू हमारा सब कुछ है प्यारे यीशु, तू हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हम कुछ नहीं चाहते, हम सुलेमान के समान उठी चाहते हैं, जैसे बाइबल में पढ़ा गया पिता कि सुलेमान के समान कोई भी आज तक नहीं हुआ है और ना पहले भी था। पिता हम चाहते सुलेमान के समान हम बुद्धिमान बने, ज्ञानवान बने और समझदार बने पिता। वो प्यारे यीशु समझ की आत्मा और बुद्धि की आत्मा तू हमें दे प्यारे यीशु। बच्चों को आशीष दे, सब माता पिता बुजुर्ग लोग और भाई बहन लोग इन बच्चों के लिए दुआ करते पिता, इनको काटना और छांटना हमारा काम है। और जो माँ बाप अपने बच्चों को छाने नहीं लगाता वो उनका बैरी है, ये वचन में लिखा है। हम इतना बच्चे को माने ना, पर तू भावनात्मक रूप से उनको वो परमेश्वर की तरफ मोड़ दे पिता। और जरूर है कि ये सब बच्चे इनमें से कोई ना कोई एक न एक साइंटिस्ट बनेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं धरती जमीन में रहूंगा रहूं, पर इस चर्च का एक न एक व्यक्ति साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक बने प्यारे यीशु। मेरी बातें करनी है, उनको क्योंकि वो सही सुन नहीं सकते, सब वो चिपड़ी चुपड़ी बात सुनना चाहते। नहीं पिता, तूने हमें वो प्यारे यीशु उनकी गलतियों को बताने बोला है पिता, ताकि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते कर सकते। ये उनकी भलाई के लिए है, ये उनके लाभ के लिए है प्यारे यीशु। इन बच्चों को जो पीएमटीपी पे बैठ रहे प्यारे यीशु, उनको प्रथम स्थान तुझे देना है, तभी उनका सिलेक्शन होगा प्यारे यीशु। यदि वो तुझको ध्यान अपने बाजू में ना बैठाए, कहे यीशु तू मेरे बाजू में आ जा, तू मुझे बता, तू मुझे प्रश्न बता, कौन सा प्रश्न आने वाला है परीक्षा में, तू मुझे बता दे प्रभु। मैं जब लिखता हूँ परीक्षा में तो लिखती हूँ, तो मुझे मेरे बाजू में बैठ कर मुझे गाइड कर, जो भी क्वेश्चन है, जो भी समीकरण है, जो भी बहुत ढेर सारे डेरिवेशन है, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है, कोई याद नहीं आते, वो सब कुछ कर सकता पिता। धीरे पिता, तू धीरे पिता, मुझे रटने की सामर्थ्य दे पिता, ऐसा के बच्चे रोज रोज दुआ करें, जैसा इन्होंने प्रॉमिस किया है मेरे बच्चों के अनुसार। ये टीवी नहीं देखेंगे और मोबाइल नहीं देखेंगे, और इनके माता भी बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगी, माँ भी ये सब कुछ नहीं करेगी, वो त्याग करेगी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि माँ ही है जो त्याग नहीं है और सेक्रीफाइसिंग है पिता। इसलिए माता को भी बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा दे पिता, ताकि वो बच्चों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर सके पिता। एक बार फिर से हम सब बुजुर्ग लोग आपके लिए मास्टर और जितने भी जो सीनियर्स हैं वो प्रार्थना करते हैं पिता मन में, इन सबको आशीर्वाद तू दे, हालेलुया। सारी बातों के लिए हम तुझे महिमा देते हैं, तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सब पर बोलो आमीन का मतलब, बुद्धि का मतलब, मस्सा का मतलब, अभिषेक मस्सा का मतलब, पांच बार बोलो मस्सा का मतलब अभिषेक का मतलब, अभिषेक मस्सा का मतलब, अभिषेक मस्सा का मतलब, अभिषेक। अब घर में भी ऐसे पॉइंट याद करना, ऐसे जैसे गाना गा रही हूँ ना मैं, गाना गा रही हूँ ना, मस्सा का मतलब अभिषेक, मस्सा का मतलब अभिषेक, मस्सा का मतलब ऐसे करके के मुली में पढ़ते जाओ अपना दो किताब का भी, ठीक है, समझ गए आप लोग क्या बोलोगे, यीशु मसीह की जय करके पांच बार बोलो।
दो मिनट होंगे। प्रार्थना हो गई आप सबके लिए और हम विश्वास करते हैं सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। पिछले हफ्ते यीशु मसीह ने क्या कहा, बांधने और खोलने का अधिकार मेरे पास है, बंद करने का अधिकार किसके पास है, आपके पास है, किसके पास है, आपके पास है। तो ध्यान से सुने है ना, ये परीक्षाओं तक, आने वाली परीक्षा तक टीवी बंद, बोलो टीवी, आप सब बोलो जितने लोग हैं यहाँ पर, टीवी, मोबाइल, दौड़ना भागना सब, पढ़ना पढ़ना चालू, ठीक है। तो टीवी को बंद रखें, मोबाइल बंद रखें, माता पिता भी ध्यान दें, कोई बच्चा नहीं मानता तो मेरा नंबर लेकर जाए, मैं बात करूंगी, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे करीब से के बच्चे टॉप करें, क्लास में टॉप, स्कूल में टॉप, मेरिट में, आमीन आमीन, सब कुछ संभव है क्योंकि परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि समझ को देने आ गए हैं। सब अभिषिक्तों ने आपके ऊपर हाथ बढ़ाया, माता पिता ने जितने विश्वासी ने प्रभु की दासी ने प्रार्थना की है, तो हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ है। इन दिनों में टाइम पे खाना खाए, टाइम पे सो, रात भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे पढ़ना शुरू करें, है ना, समय पर पढ़ें, समय पर खाएं, समय पर सोएं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, टीवी मोबाइल खेलना कूदना इन दिनों में क्या करना है, बंद करना, पढ़ाई चालू करना। तो आप सबके लिए हमारी शुभकामनाएं, सारे चर्च की ओर से, सारे अभिषिक्तों की ओर से आप सबके लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, खुदा आप सबको आशीष दे, सफलता दे, जीवन करे, प्रभु आप सबकी सहायता करें, क्योंकि आप अपने स्थान में बैठ जाए, बैठ जाइए।